रोहतक विधानसभा सीट हरियाणा के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। रोहतक के सभी सीटों पर मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। आइए रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। कलानौर, जहां से बीजेपी से रेडू डाबला, कांग्रेस से शकुंतला खटक, जेजेपी एएसपी से महेंद्र सुडाना, आईएनएलडी बीएसपी से पूनम, आम आदमी पार्टी से नरेश बागड़ी। वहीं कोसली विधानसभा सीट की बात करें तो अनिल दाहिना बीजेपी से, कांग्रेस से जगदीश यादव, जेजेपी एएसपी से लविंदर सिंह यादव, आईएनएलडी बीएसपी से राजकुमार शर्मा, आम आदमी पार्टी से हिम्मत यादव। वहीं हॉट सीट गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो बीजेपी से मंजू हुड्डा, कांग्रेस से बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी एएसपी से पंडित सुशीला देशपाल, आईएनएलडी बीएसपी से कृष्णा कौशिक, आम आदमी पार्टी से प्रवीण गुस्खाने। वहीं झज्जर विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी से कप्तान बरधाना, कांग्रेस से गीता भुक्कल, जेजेपी एएसपी से नरसी बाल्मीकि, आईएनएलडी बीएसपी से धर्मवीर, आम आदमी पार्टी से महेंद्र दहिया। बहादुरगढ़ सीट की बात करें तो बीजेपी से दिनेश कौशिक, कांग्रेस से राजेंद्र जून, जेजेपी एएसपी से बलवान सिंह, आईएनएलडी बीएसपी से शीला राठी, आम आदमी पार्टी से कुलदीप चिकारा। वहीं हॉट सीट बादली की बात करें तो बीजेपी से ओपी धनखड़, कांग्रेस से कुलदीप वत्स, जेजेपी एएसपी से कृष्ण सेलाना, आईएनएलडी बीएसपी से महेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी से हैप्पी लोहचाप। वहीं बेरी विधानसभा की बात करें तो बीजेपी से संजय कबलाना, कांग्रेस से रघुवीर सिंह काद्यान, जेजेपी एसपी से सुनील दुजाना, आईएनएलडी बीएसपी से प्रमोद जोशी, आम आदमी पार्टी से सोनू अहलावत। वहीं महम सीट की बात करें तो बीजेपी से दीपक हुड्डा, कांग्रेस से बलराम दांगी, आईएनएलडी बीएसपी से हवा सिंह, आम आदमी पार्टी से विकास नेहरा। वहीं हॉट सीट रोहतक की बात करें तो बीजेपी से मनीष ग्रोवर, कांग्रेस से बीबी बत्रा, जेजेपी एसपी से जितेंद्र बलहारा, आईएनएलडी बीएसपी से दिलावर मेहरा, आम आदमी पार्टी से बिजेंद्र हुड्डा। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन सत्ता के सिंहासन तक किसे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।